हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आई वॉक। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर लेकर आए हैं एक डीसी पावर एम्पलीफायर, 12 वोल्ट डीसी ट्रैक्टर एम्पलीफायर, 16800 वाट का हमारा जो DX77 एम्पलीफायर बोर्ड है उसके साथ। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर जो लगाया है बिग डिस्प्ले या ब्लूटूथ मॉड्यूल मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर इसका बेस टेबल साथ में ही आता है बोर्ड के, तो वो यूज़ किया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कूलिंग के लिए कूलर यूज़ किया गया है, यहाँ पे फ़ैन यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आपको ये दिख रहे हैं 10-10 एम्पीयर के मैंने यहाँ पे फ्यूज़ यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पे हमारा स्पीकर सॉकेट लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये सेट है और आप देख सकते हैं हमारा सेट बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और साथ ही साथ मैंने इसमें जो देखिए आप दो स्पीकर मैंने, एक हमारा ये 12 इंच का जो है हमारा सभी वीडियो में हमने देखा होगा, एक ये है हमारा 155 mm 200 वाट का, प्लस हमारा एक ये 155 mm 200 वाट का स्पीकर एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जो एनक्लोज़र में नहीं है अभी। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको बैक साइड से दिखा देता हूँ। काफ़ी हैवी स्पीकर है ये, तो आप देख सकते हैं ये मेरा हाथ, आप देख सकते हैं कितना हैवी ये स्पीकर की मैग्नेट है। और ये देखिए मेरे पूरे हाथ कवर कर रहा है, ये इतना बड़ा इसका मैग्नेट है। और ये देख सकते हैं आप इसमें 200 वाट का ये स्पीकर है। तो यहाँ पे मैंने एलिगेटर क्लिप के थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे दोनों स्पीकर कनेक्ट किए हैं। ये हमारी पावर सप्लाई है 12 वोल्ट से 30 एम्पीयर की। तो ये मैंने ये वायर जो देख रहे हैं आप मोटे वाले, ये एम्पलीफायर के वायर हैं, और ये देख रहे हैं आप स्पीकर के वायर हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन बोर्ड मेरा ये रहा, तो एक्सटेंशन बोर्ड से मैं इसको लाइट दूंगा, उसके बाद इसकी हम करते हैं साउंड टेस्टिंग। तो चलिए मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी साउंड टेस्टिंग किस तरह से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये पावर ऑन कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पावर ऑन हो चुकी है, इसमें पावर आ चुकी है और सेट भी हमारा रेडी है। तो आप देख सकते हैं सेट भी हमारा रेडी है और मैंने इसमें जो है ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी भी कर ली है। तो चलिए बात है इसकी अब साउंड टेस्टिंग की, तो करते हैं साउंड टेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें ये देख लिया BD कनेक्ट कर लिया है और चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ अब। तो हमारा जो है म्यूज़िक प्ले हो चुका है इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको इसकी साउंड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। अभी इस हमारा बेस और ट्रेबल कुछ भी ऑन नहीं है, सारा बंद है। तो अभी जो साउंड होगा उसका नेचुरल साउंड होगा, आप देखिएगा। अब मैं इसका ट्रेबल और बेस धीरे धीरे ऑन करूंगा, आप देखिएगा इसके साउंड में क्या फ़र्क आता है। आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ और साउंड में जो पंच है, इसका बेस का जो पंच है वो कितना क्लियर और लाउड है। मैं यहाँ पे अपने कानों से इसको फील बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको वीडियो बना के दिखानी है मेरे को, तो मैं इसका फुल साउंड ओपन कर रहा हूँ। Yeah.
तो गाइज़ मैंने आपको दिखाया इसमें NCS का म्यूज़िक प्ले करके, बट मैं आपको देखिए मैं इसमें एक सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें शायद आपको दिख रहा हो हरियाणवी का होली माशअप है। ये भी नॉन कॉपीराइट साउंड है, तो आई थिंक आई होप मेरे वीडियो पे कॉपीराइट ना आए। तो ये कॉपी नॉन कॉपीराइट साउंड है, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ और देखते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग नॉर्मल सॉन्ग पे हमारे किस तरह से होने वाली है। तो चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ। तो देखा गाइज़ आपने फील किया होगा इसके म्यूज़िक को, जो हमारा नॉर्मल साउंड जो म्यूज़िक है उस पर क्या फील है इसका, और कितना हमारा ये बाउंस कर रहा है हमारे 155 mm मैग्नेट वाले स्पीकर को। और दो स्पीकर मैंने इसमें अटैच कर रखे हैं और आपने देखा इसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाता हूँ इसमें DJ सॉन्ग वाले जो होते हैं वो मैं सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ उसको। कॉपीराइट सॉन्ग है वो, बट चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊँगा उसमें।